हिंदी नमस्कार, मेरा नाम सुभद्रा रेड्डी है, मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ और हमारे स्टेट कॉन्फ्रेंस कल है 20th के दिन, यही पर है, मीडिया प्लेस में ऑडिटोरियम में है। और साहब हमारे नेशनल प्रेसिडेंट है तंपन थॉमस जी, वो सोशलिस्ट पार्टी के बारे में बोले, क्योंकि 1934 में सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी फॉर्म हुआ, रजिस्टर हुआ। अब 90 ईयर्स 22 अक्टूबर 1934 सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी रजिस्टर हुआ। अब 90 ईयर्स 22 सेकंड को 92 ईयर्स हो रहे हैं, 90 ईयर्स हो रहे हैं। 90 ईयर्स का सेलिब्रेशन हमारे पास भी कल 2 दिन पहले हुई, तभी कल स्टेट कॉन्फ्रेंस में वो मिला के कर रहे हैं और 22 के दिन तमिलनाडु में कर रहे हैं। तो पूरा देश में 16 to 17 स्टेट्स में हमारी पार्टी है आगे बढ़ रही, अगेंस्ट बीजेपी एंड ये रिलीजियस फीलिंग ये सब नहीं, सब इक्वालिटी, हमारे पार्टी इक्वालिटी हर चीज में इक्वालिटी, पूर एंड गरीब और अमीर, औरत और मर्द, हर चीज में इक्वालिटी, नो बड़े छोटे नहीं। हमारे पार्टी का फर्स्ट कैस्ट रिमूवल ऑफ द कैस्ट फर्स्ट पॉइंट, ऐसा हमारी पार्टी सब लोगों में जारी। अब परसों भी 9 एमपी कांटेस्ट किए तेलंगाना में और आगे बढ़ने के लिए हमारे को थोड़ा फाइनेंस, हम जरा हम किसकने भी पावर में नहीं है, हम किसको भी लूटना किसकने भी लेना हाथ फैलाना नहीं है हमारे मकसद, सिर्फ सोशलिस्ट बोले तो अपने दम से दिल जीत के दूसरे के दिल जीत के हम आगे बढ़ना है। अगर सोशलिस्ट पार्टी में आना चाहे तो सब लोगों को, हमारे अंदर 90% सोशलिस्ट है, 90% ओनली 10% सेल्फिश लुटेरे है, इसलिए ये 90% ये हुए तो ये लुटेरों को ये रेपिस्टों को ये सबको हम भगा सकते। मैडम सब की मीटिंग में क्या डिस्कस होने वाला है? कल की मीटिंग में हमारे स्टेट कॉन्फ्रेंस है और साहब ये भी बोले लेबर कोड नहीं, लेबर कोड जो है वो पूरा लेबर को और उन लोगों को नुकसान है। हमारे पार्टी का सिंबल कर्षक और किसान का है, किसान कर्षक ये दो लेबर में आते, सब एकजुट के आए तो ठीक रहता, लेकिन अलग अलग होते रहने से या अलग अलग पार्टी लेवल में जीतने से हम एकजुट पे नहीं ला सक रहे। अरे ये अब लेबर कोड रिमूव करना है, सब भी ट्रेड यूनियन के चेयरमैन हो रहे थे, अब भी ट्रेड यूनियन में भी है, सोशलिस्ट पार्टी में भी है, इसलिए सब मिलके अगर ट्रेड यूनियन के वो जो नुकसान रह रहा लेबर को, कर्षक को, कार्मिक को, वो रिमूव करना है। ideology को difference रहता, बट इक्वालिटी के लिए उन लोग भी है, इक्वालिटी के लिए हम भी काम कर रहे हैं। सोशलिस्ट पार्टी का मुद्दा, मेन मुद्दा यही है कि फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ देश बचाओ, ये हमारा नारा है। लेकिन जहाँ पे सेक्युलर फोर्सेस पूरे यूनाइट होके काम कर रहे हैं वहां पे जाके आप तो बीजेपी हटाओ और देश को बचाओ बोल के नारा लगाए तो क्या बीजेपी को सपोर्ट नहीं होता? क्यों सपोर्ट बीजेपी को क्यों सपोर्ट? सेक्युलर और डिवाइड हो रही है जी, तो ऑब्वियसली डायरेक्टली कम्युनल, हम सेक्युलर वोट्स को यूनाइट करने के लिए प्लेटफॉर्म बना रहे ना। आप अगर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे विदाउट जब इंडिया पार्टी जी आपका जी आपको आपको आपका क्वेश्चन मैं दे बोल रहा हूँ, जब इंडिया अलायंस में था जब भी हम लोग कॉल करे कि सब एकजुट हो जाए जी। तो जब को राहुल गांधी जी का पादयात्रा शुरू नहीं हुआ था, जब हम लोग पादयात्रा का प्लान कर रहे थे, फिर एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी अगर करेंगे तो ये जो सो अलायंस का एक रूप बनता इसको एक स्ट्रेंथनिंग आती बोल के राहुल गांधी जी आ गया है, उन लोग करे उसका इमीडिएट इम्पैक्ट आपको जो है साउथ इंडिया में दिखा, इमीडिएटली कर्नाटका में कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई, नेक्स्ट तेलंगाना में कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई, और भी कई जगह कांग्रेस स्ट्रेंथन हो रही, नॉट ओनली कांग्रेस, अब कश्मीर में भी देखिए एंटी बीजेपी गवर्नमेंट आई, अभी हरियाणा एक जो इंडिया अलायंस जीते जीते अब साफ बोले थे खुद के गलतियों से कांग्रेस आ रही हरियाणा में, तो वो थोड़ा बहुत कांग्रेस थोड़ा बहुत इंडिया अलायंस पार्टनर्स को कैसा एडजस्ट करके लेके चलना ये राहुल गांधी जी की जिम्मेदारी है, और जो जितनी जिम्मेदारी हमारे पे है देश को बचाने की अदर पार्टीज की, उतनी ही जिम्मेदारी कांग्रेस पे भी है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी एडजस्ट होते चलना पड़ता। अपने वजूद का एहसास दिलाने के लिए आप भाई से थे साउथ इंचार्ज जी,
आपके आगे की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी पार्टी के लिए? पार्टी की स्ट्रेटेजी यही है सब जितने देखिए साउथ इंचार्ज की, साउथ इंचार्ज की मेरी स्ट्रेटेजी ये है क्योंकि सेक्युलरिज्म जिंदा, अगर 90% जिंदा है तो साउथ इंडिया में जिंदा है, क्योंकि इंडिया में जो है सो साउथ इंडिया में आपको जो है सो कैस्टिज्म रिलीजियस पॉलिटिक्स को बहुत दूर रख रहे हैं। यहाँ की पब्लिक बहुत, साउथ इंडियन पब्लिक इज वेरी पॉलिटिकली मैच्योर पब्लिक है यहाँ पे, तो ये हम लोग क्योंकि कोशिश यही रहेगी कि किसी भी हालत पे यहाँ पे रिलीजियस पॉलिटिक्स को हवा नहीं मिलना, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना, और इंडिया का जितना भी इकोनॉमिक्स इंडिया को मिल रहा, जो भी फंड इंडिया को मिल रहा, ये पूरा साउथ इंडिया से मिल रहा, ये जो सो, लेकिन इसके फ्रूट साउथ इंडिया को नहीं मिल रहे, तो ये हमारा मुद्दा है, ये इस पे हम लोग ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहे, और जितनी भी सोशलिस्ट पार्टी जो है सो साउथ इंडिया को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करने की कोशिश में है, वही इसमें ऑलरेडी पूरे जो जो भी लाइक जो जो भी हमारे से मिलके आएंगे, कम्युनिस्ट मिलके आएंगे, डीएमके वाले मिलेंगे, और दूसरे भी पार्टी से हमारी बातचीत हो रही, तो हम लोग रिवील करते जाएंगे, और मुद्दा यही है कि किसी भी हालत में बीजेपी को साउथ इंडिया में एंट्री नहीं देना, ये मेरा मकसद है एज ए साउथ इंडिया इंचार्ज। साहब जो लेबर कोड्स के बारे में बोले, ये स्पेशली कॉन्सेंट्रेशन हमारा इस पे रहेगा कि आजकल आईटी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट पे अपना साउथ इंडिया में स्पेशली अपने तेलंगाना में ज्यादातर एम्प्लॉयमेंट पे आईटी सेक्टर का है, तो ये 24 आवर्स में 18 आवर्स घर पे बैठ के तो भी काम करो बोल के बोल रहे, जिसका स्ट्रेस इतना बढ़ जा रहा कि ऑलरेडी केरला में एक लड़की हार्ट अटैक आके मर गई, लिख के सुसाइड कर ली वो बच्ची कि मैं ये स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकती। काफी लोगों को जो अगर आप बात करेंगे सॉफ्टवेयर वालों से, उन लोगों का स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, ये स्टैटिस्टिक्स भी है। सो लेबर कोड्स का वायोलेशन नहीं हुआ सर, लेबर कोड्स को विड्रॉ करना बोलते सर साहब का मुद्दा है, हम लोग उस तरफ भी काम करेंगे। इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस ओनली एक ही अपोजिशन पार्टी थी कांग्रेस के खिलाफ, वो सोशलिस्ट पार्टी थी। 1975 में सब लोगों को मिला लेके जनता पार्टी बनी, सोशलिस्ट पार्टी अपना वजूद छोड़ दी, जनता पार्टी बनी। जनता पार्टी बनने के बाद में फिर 2 साल के बाद में जनता पार्टी हो गई, खत्म हो गई, फिर कांग्रेस आ गए, उसके बाद में हम फिर सोशलिस्ट लोग क्या करे, अपने अपने ग्रुप्स बनाए, कोई जनता दल बनाए, कोई जनता दल यस बनाए, कोई जनता दल यू बनाए, कोई समाजवादी पार्टी बनाए, ऐसा टुकड़ों में बढ़ गए समाज सोशलिस्ट। तो 2011 तक मैं 20 स्टेट्स फिरा, मैं और केशव राव यादव साहब, आप पहचानते होंगे काफी लोग, प्रोफेसर केशव राव यादव साहब, तो हम लोग एक सुरेंद्र मोहन जी, हम लोग पूरा एक प्लेटफॉर्म बनाए, एक प्लेटफॉर्म बना के नहीं भाई ऐसा नहीं होता, ये घरेलू पार्टियां बना के सेम अपना अपना मकसद देख रहे, सोशलिज्म के नाम पे एक डब्बा बन रहे। सो हमारा मकसद ये रहेगा कि हम फिर लोहिया की आइडियोलॉजी पे, गांधी की आइडियोलॉजी पे सोशलिस्ट पार्टी बनाएंगे, बल्कि हम 2011 में हैदराबाद में ही फाउंडेशन कॉन्फ्रेंस करें, इसको रिवाइव करें, इसको रिवाइव करने के बाद में अब जो है सो पूरे स्टेट्स में, अराउंड 20 स्टेट्स में हमारे यूनिट्स बने। स्टेडीली वी आर प्रोग्रेसिंग, बट विथ आइडियोलॉजी वी आर प्रोग्रेसिंग, वी डोंट वांट टू विदाउट आइडियोलॉजी।